एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था मिंटू जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि किसी पार्टी का, किसी लेजर का उन्हें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखना है डे वाइज, तो कैसे देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। अगर आपको भी किसी पार्टी का या फिर किसी लेजर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना है डे वाइज, तो कैसे आप देखेंगे टैली प्राइम में, ये मैं आपको विथ एग्जांपल एंड प्रैक्टिकली करके इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो दैट अगर आप भी किसी पार्टी का या फिर किसी लेजर का रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं डे वाइज, तो आप भी इजिली रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करके। टैली एंड अकाउंट्स रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको किसी पार्टी का या फिर किसी लेजर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखना है। डिस्प्ले पे हम जाएंगे एंड देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे एंड उसके बाद आउटस्टैंडिंग पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए लेजर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है एंड ग्रुप का, तो आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं एंड ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर वाइज रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो लेजर वाइज जैसे कि अगर किसी पार्टी का आपको पर्टिकुलर देखना है, तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए एंड उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने शिव कंपनी का अगर मुझे देखना है, तो शिव कंपनी का मैं लेजर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ देखिए डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कब से कब तक का आपको देखना है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस कंपनी का आपको आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है डिस्प्ले पे। यहाँ आपको शो होगा, सबसे पहले डेट शो होगी कि किस डेट का आपका इनवॉइस है एंड उसके बाद रेफरेंस नंबर यानी कि जो इनवॉइस नंबर है वो, एंड यहाँ आपको ओपनिंग अमाउंट शो होगा। ओपनिंग अमाउंट मीन्स जो आपका बिल का अमाउंट है वो ओपनिंग अमाउंट शो होगा एंड पेंडिंग अमाउंट, सपोज़ कीजिए अगर ये आपका जो फर्स्ट वाला इनवॉइस है 4800 रुपीज़ का है, इसके अगेंस्ट आपने कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की है, तो पेंडिंग अमाउंट में आपको शो होगा 4800 डेबिट साइड। यहाँ पे आपको ड्यू ऑन शो हो रहा है डेट जो कि इनवॉइस का डेट है एंड एंड में सबसे शो हो रहा है आपको ड्यू डेट बाय डेज, तो यहाँ पे डेज शो होगा कितने डेज से आपका जो बिल है वो ड्यू है। तो जो सबसे पहले वाला बिल है 1 अप्रैल को हमने जनरेट किया था एंड 1 अप्रैल से आज तक ये 60 डेज हो गए हैं। सो इस टाइप से आप सारे इनवॉइसेस को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ड्यू डेज शो होंगे जिस डेट को आपने इनवॉइस जनरेट किया है उस डेज से। जब आप रिपोर्टिंग देखेंगे आउटस्टैंडिंग, तो आपको शो होगा कि कितने डेज से आपका जो बिल है वो ड्यू हो चुका है। तो सारे इनवॉइसेस के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग डेज शो हो रहे हैं, जैसे कि सेकेंड वाला जो इनवॉइस है वो हमने जनरेट किया था 2 अप्रैल को एंड यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल को जो इनवॉइस की अमाउंट है 33,250 है एंड जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी 33,250 है। तो जो ओपनिंग अमाउंट होता है वो आपका बिल का अमाउंट होता है, अगर इस बिल के अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट रिसीव किया है तो पेंडिंग अमाउंट में आपका जो अमाउंट है वो माइनस करके शो होगा। बट यहाँ पे इस बिल के अगेंस्ट हमने कोई भी पेमेंट नहीं रिसीव किया है, इसलिए पेंडिंग अमाउंट में सेम आपको शो होगा डेबिट साइड में। अगर आपने पेमेंट रिसीव किया होता सेम इनवॉइस के अगेंस्ट, सपोज़ कीजिए इस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने 10,000 रिसीव किया होता, तो पेंडिंग अमाउंट में यहाँ पे 10,000 माइनस करके 23,250 पेंडिंग में शो होता। बट इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमने कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो एज इट इज़ आपको पेंडिंग अमाउंट में शो हो रहा है। तो इस टाइप से पेंडिंग अमाउंट देख सकते हैं आप एंड ड्यू डेट में आपको 59 डेज शो हो रहा है। थर्ड इनवॉइस के लिए देखिए 30 डेज ओवर ड्यू शो हो रहा है। तो इस टाइप से हर इनवॉइस, जो भी इनवॉइस जिस डेट को आपने जनरेट किया है एंड अगर आपने उस इनवॉइस के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग में शो होगा एंड डेज भी शो होगा कि कितने डेज वो ओवर ड्यू हो गया है। तो यहाँ पे डेज भी आप देख सकते हैं एंड डेज भी आपको शो होगा।
हर इनवाइस के लिए अलग अलग ओवर ड्यू डेट यहाँ पे आपको शो होगा। एंड पार्टी से जितना भी आउटस्टैंडिंग है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, आपको टोटल में शो होगा 5 लाख समथिंग। इस टाइप से एक और पार्टी का हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमें रमेश ट्रेडिंग कंपनी का देखना है, तो रमेश ट्रेडिंग कंपनी का मैंने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है। डेट हम चेंज कर लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2 इनवाइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं एज अ आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस में जो अमाउंट शो हो रही है वही एज इट इज़ पेंडिंग अमाउंट में शो हो रही है। इट मीन्स हमने कोई भी पेमेंट इस पार्टी से रिसीव नहीं किया है। एंड यहाँ पे ओवर डेज भी शो होंगे कि कितने डेज से ये इनवॉइस पेंडिंग में चल रहा है। नीचे आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट आपको शो होगी कि कितना इस पार्टी का आउटस्टैंडिंग है। तो इस पार्टी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,52,790 रुपीज़ है। सो इस टाइप से आप किसी भी पार्टी का किसी भी लेजर का आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। ये हमने लेजर वाइज देखा। अगर आपको ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप पे क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स पे आपको क्लिक करना है। जो भी हम सेल करते हैं उसका रिपोर्ट्स हम सन्ड्री डेटर्स के अंडर में देखते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ हमें शो हो रही हैं। आपकी जितनी भी पार्टीज़ होंगी सारी पार्टीज़ यहाँ पर शो होंगी। यहाँ देखिए आपको पार्टी वाइज डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो हो रहा है। जैसे कि शिव कंपनी से हमें 5 लाख समथिंग लेना है एंड रमेश ट्रेडिंग कंपनी से हमें 1,52,000 समथिंग लेना है, ये आउटस्टैंडिंग शो हो रही है। आप जैसे कि लेजर वाइज रिपोर्ट्स पे राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल देख सकते हैं। रमेश ट्रेडिंग कंपनी से टोटल 2 बिल्स यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग में शो हो रहे हैं। डेज भी आपको यहाँ पे शो होंगे कितने डेज से ये ओवर ड्यू हैं। एंड शिव ट्रेडिंग कंपनी में यहाँ पे अराउंड 5 बिल्स आपको आउटस्टैंडिंग में शो हो रहे हैं, अमाउंट आप यहां पे देख सकते हैं। एंड ड्यू डेज भी आप यहां पे एंड में देख सकते हैं कि कितने कितने डेज से ये सारे इनवॉइसेस पेंडिंग है। तो कुछ इनवॉइसेस 60 डेज से पेंडिंग है, 59 डेज से, 30 डेज से, 29 डेज से। तो डे वाइज रिपोर्ट देखना है तो आप इस टाइप से ग्रुप में जाके सन्ड्री डेटर्स में रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको पार्टी का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखना है डे वाइज। अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो उसको भी मैंने बताया कैसे देखना है, एंड लेजर वाइज देखना है तो उसको भी मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उन सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा तो आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियो में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.